बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे दोस्तों, भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि जुमेरात के रोज़ हम उन बच्चों का स्वदेश मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि मर्दान रोड 4 सदर पर वाकिया है, उनका इलाज करते हैं जो पैदाइशी तौर पर बोल और सुन नहीं सकते। तो उनकी उम्र अगर 5 साल से कम है तो कल 4 बजे स्वदेश मेडिकल कॉम्प्लेक्स मर्दान रोड 4 सदर पर हम उनका मुआयना करेंगे। इनके मुआयने के लिए जो है डॉक्टर मकबूल बलोच, जो पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे काबिल तरीन कॉकुलर इम्प्लांट सर्जन है, वो वहाँ पर आकर उन बच्चों का मुआयना करते हैं। इन बच्चों के इलाज पर 23 लाख से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि आम लोगों के लिए उनकी बस की बात नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बैतुल माल के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत उन्होंने पूरे पाकिस्तान में चंद हॉस्पिटल नॉमिनेट किए हैं, जिसमें से एक खैबर पख्तूनख्वा में स्वदेश मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर मुआयना करने के बाद अगर वो ऑपरेशन के लिए फिट है तो हम उनके केसेस को पाकिस्तान बैतुल माल भेजते हैं, जो कि रिसेंटली हमने 34 सर्जरियाँ एक की है और अभी दोबारा हमें 52 बच्चों की सर्जरी के हवाले से उनके फंड्स रिलीज हो गए। इसी तरह अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर में या आपके हमसायों में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है तो उनको स्वदेश मेडिकल कॉम्प्लेक्स 4 बजे लाना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी मुफ्त इलाज मुयसर हो सके और वो भी माशरे का एक अच्छा शहरी साबित हो। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि हमारी इस आवाज़ को उन घरों तक पहुँचाए जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती है, जो कि सदके जारी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।